हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जायका रश्मिका में आप सबका स्वागत है। तो सैंडविच तो आपने बहुत तरह के खाए भी होंगे, बनाए भी होंगे, लेकिन आज जो मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंबई स्टाइल जंगली ग्रिल सैंडविच, जो कि दूसरे सैंडविच से डिफरेंट है, क्योंकि हम इसमें एक म्यूनिस बेस्ड कॉल्सलार भी बनाएंगे। और सैंडविच बनाने में दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एक सैंडविच मसाला और एक सैंडविच चटनी। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने जो पैन है वो गैस पे रख दिया और इसको खूब गर्म कर लिया, और इसके बाद मैंने इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर कर दिया। और इसमें अब मैं डालूंगी सबसे पहले 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून काली मिर्ची और 10-15 लौंग और 1 चक्री। ये जो चक्री, ये जो फूल होता है ये। और अब हम इसको लो मीडियम फ्लेम पर हल्का हल्का भून लेंगे जब तक कि इसकी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। और इसको भूनने के बाद हम इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको पीस लेंगे। तो ये जो हमने ड्राई साबुत मसाले रोस्ट किए थे उनको मैंने पाउडर कर लिए, और इसमें मैंने 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून हींग डाली है, 1/2 टीस्पून सौंठ डाली है, 1 टेबलस्पून काला नमक डाला है और 3 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद नमक डाला है। और इन सबको मैंने एक बार दोबारा पीस कर अच्छे से मिक्स कर लिए, इनका फाइन पाउडर बना लिया है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं ग्रीन चटनी की तरफ। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए 1 बिग बंच ऑफ हरा धनिया, तो आपने 2 कप के करीब हरा धनिया लेना है और इसको मिक्सी के जार में डाल देना है। और उसके बाद आप लेंगे 10 से 12 तीखी हरी मिर्ची। आप हरी मिर्ची कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, 10-12 कड़ी पत्ता और 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 टेबलस्पून भुना चना और 1 टीस्पून सैंडविच मसाला, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 2-3 क्यूब्स आइस के, ताकि जो इसका कलर है वो ग्रीन ही रहे, और 1 स्लाइस ब्रेड का। ब्रेड आप ना भी डालना चाहो तो डालो, और नहीं डालो लेकिन आप ब्रेड ज़रूर डालो, क्योंकि आप देखो, आप कभी भी ग्रीन चटनी बनाते हो तो ब्रेड के ऊपर लगाते हो तो वो ब्रेड बड़ी सौगी सी हो जाती है, तो इससे जो आपकी ब्रेड है वो सौगी नहीं होगी। तो 1 स्लाइस ब्रेड का। अब हम इसको मिक्सी में पीस कर इसकी एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो लीजिए, हमारी ग्रीन चटनी भी बनकर तैयार है। अब हम स्टार्ट करते हैं सैंडविच बनाना। तो अब हमारी ग्रीन चटनी भी बनकर तैयार हो गई है और सैंडविच मसाला भी बनकर तैयार हो गया है। तो हम सैंडविच असेंबल करने से पहले हम कोलेस्ट्रॉ बनाएंगे, जो कि हमारे सैंडविच को एक अलग फ्लेवर देता है। उसके लिए मैं 1 कप पत्ता गोभी लूँगी, उसको आप बिल्कुल बारीक बारीक या लंबा लंबा जूलियंस में काट लीजिए। 1/2 कप में उसमें गाजर डालूंगी और उसमें 1/2 कप ही आप मेयोनीज डालेंगे। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है और आप इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मैं आज मेयोनीज नहीं डाल रही,
मैं हंकर्ड में एक चम्मच मलाई डालकर उसको मिक्स कर रही हूँ, और ये बच्चों के लिए है भी हेल्दी। और इसमें आप रेड गार्लिक चटनी और एक चम्मच और शेजवान चटनी, इनमें से आप डालेंगे एक चीज़, 2 टीस्पून डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे सैंडविच को एक अलग फ्लेवर देता है। तो ये भी बनकर तैयार हो गया, और अब हम सैंडविच को असेंबल करना शुरू करेंगे। अब हम एक स्लाइस ब्रेड का लेंगे, उसके हम ऊपर अच्छे से बटर लगाएंगे। बटर जो है वो पूरे कॉर्नर्स तक लगाना है आपको। अच्छे से बटर लगाने के बाद आप इसके ऊपर चटनी लगाएंगे। चटनी को भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, और आप ये खास ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीज़ें आप पूरा पूरी ब्रेड को कवर करेंगे, ताकि सब जगह जो टेस्ट है वो आपको सैंडविच का आए। इसके बाद हम इसके ऊपर बॉइल्ड पटैटोज आलू की लेयर देंगे अच्छे से, आलू की लेयर को भी थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ऐसे करके। आलू की लेयर देने के बाद आप इसके ऊपर सैंडविच मसाला डालिए, उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी सी कैप्सिकम। इसको मैंने पहले ही छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया था। कैप्सिकम के बाद हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अनियन डालेंगे। इन चीज़ों को आप थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और इसके फिर हम एक स्लाइस ब्रेड का लेंगे, उसके ऊपर हम अच्छे से बटर अप्लाई करेंगे, हरी चटनी डालेंगे। और इसके ऊपर उल्टा लगाएंगे, और इसके ऊपर हम फिर से बटर अप्लाई करेंगे। बटर अप्लाई करेंगे, चटनी अप्लाई करेंगे, और अब इसके ऊपर हम टोमेटोज की एक लेयर देंगे। अगर आपके घर में बच्चे टोमेटोज नहीं खाते तो आप टोमेटोज को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो टोमेटोज भी ज़रूर लगाइए। टोमेटोज लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सैंडविच मसाला स्प्रिंकल करेंगे फिर से, और सैंडविच मसाला स्प्रिंकल करने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने कोलेस्ट्रॉल बना के रखा है वो डालेंगे। इस तरह से उसकी एक लेयर अच्छे से देंगे। और कोलेस्ट्रॉल में भी मैंने 1/2 टीस्पून सैंडविच मसाला मिक्स किया है, जो कि आप भी जरूर डालिए। फिर हम एक स्लाइस ब्रेड का लेंगे, इस पे हम बटर लगाएंगे। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ताकि वो इजीली अच्छे से अप्लाई हो सके। और उसके बाद हम फिर से ग्रीन चटनी लगाएंगे,
और हम इसको इसके ऊपर लगा के, हाँ सॉरी, इसके बाद ग्रीन चटनी लगाने से पहले आप थोड़े से इसके ऊपर कॉर्न लगाइए, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको कॉर्न लगानी है तो लगाइए, नहीं तो बेशक मत लगाइए। और कॉर्न लगाने के बाद अगर आपके घर में चीज़ पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा चीज़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि चीज़ का एक अपना फ्लेवर आता है। तो चीज़ लगाने के बाद आप जो मैंने स्लाइस के ऊपर बटर और चटनी लगाई थी उस स्लाइस को आप इसके ऊपर लगा देंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। लीजिए, हमारा जो सैंडविच है वो रेडी है। तो अब हम इसको, आप एक ग्रिल पैन लीजिए, मैंने एक ग्रिल पैन लिया, तो मैंने ये ग्रिल पैन लिया, इसको मैंने पहले ही गर्म कर लिया था और इस पे हमने बटर लगा दिए। बटर लगाने के बाद अब जो हमने सैंडविच रेडी किया था उसको हम इसके ऊपर ग्रिल करेंगे। तो ये देखिए, सैंडविच फर्स्ट क्लास ग्रिल हो गया है। और आप इसको प्लेट से ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे जो ग्रिल पैन के मार्क्स हैं वो ब्रेड के ऊपर आते हैं, जो भी क्रिस्पी ब्राउन बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरफ भी मैंने बटर लगाया और इसको ऐसे पलट दिया। ये देखिए, फर्स्ट क्लास ग्रिल होकर जो हमारा सैंडविच है वो रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो सैंडविच इज रेडी। अब हम इसको इसके ऊपर हल्का सा बटर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप बोलोगे इतना बटर तो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा गरम गरम के ऊपर, उसका एक अलग ही मज़ा आता है। और थोड़ी सी हम ग्रीन चटनी लगाएंगे, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ये कर सकते हैं, अगर आपको तीखा कम लग रहा है तो आप और भी लगा सकते हैं चटनी। थोड़ा सा सैंडविच मसाला डालेंगे और थोड़ा सा चीज डालेंगे। और इसको हम इस तरह से कट करेंगे। तो देखिए, हमारा बॉम्बे स्टाइल जंगली ग्रिल सैंडविच जो है वो बनकर तैयार है। तो आप इसकी जो मैंने मसाला सैंडविच मसाला और जो मैंने सैंडविच चटनी बनाई है वो आप और भी कई तरह के सैंडविच बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी ये ज़रूर बनाइए और मेरे को बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कमेंट डालिए। और मुझे ये भी बताइए मैं आपके लिए और क्या बनाऊं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, और मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।